की लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज 3 अप्रैल 2020 इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में मार्च 2020 में कितने मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई है? तो इसका सही उत्तर है, अमर उजाला समाचार पत्र में एक खबर प्रकाशित हुई थी, 159 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई है। यदि हम लोग बात करें मार्च 2019 में, तो हिमाचल प्रदेश में करीब 45% कम बारिश हुई थी। यदि हम बात करें इस आंकड़े से, तो इस बार देखो 45% ज़्यादा बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। तो अभी भी अप्रैल महीना चल पड़ा है, लेकिन सर्दी फिर भी अभी दस्तक दे रही है। अगला प्रश्न है, जनधन खाता धारक महिलाओं को अप्रैल 2020 में 3 माह के लिए प्रति माह कितने रुपए सरकार के द्वारा दिए जाएंगे? देखिए 500 रुपये यहाँ पे सरकार आर्थिक सहायता देने जा रही है। किसको देने जा रही है? जो कि कोरोना वायरस के कारण बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि हर रोज़ कमाते थे, हर रोज़ ही खाते थे, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे सरकार सहयोग करना चाह रही है, अच्छी मुहिम से कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, तत्तापानी वाटर स्पोर्ट सिस्टम हिमाचल प्रदेश के किस जिला में तैयार किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा मंडी। और आपने मुझे बताना है कि यही तत्तापानी के समीप एक रिकॉर्ड बनाया गया था कुछ ही दिन पहले, जिसे गिनीज बुक में भी रजिस्टर किया गया है। वो आपने मुझे बताना है, क्योंकि इसी साल का रिकॉर्ड बना हुआ है। उसका मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दे देता हूँ, 1995 उसका कोई कीवर्ड है, उसका आपने ध्यान रखना है, बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्ष 1815 की सिंगौली की संधि किसके बीच हुई थी? ये गोरखों तथा अंग्रेज के बीच में हुई थी। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे आजकल विशेष तौर से हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर हमें नहीं मिल रहे हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये है, क्योंकि जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं और सरकार की गतिविधियों के नियर अबाउट ही बनते हैं, तो आजकल कोरोना वायरस के कारण कर्फ्यू लगा है पूरे हिमाचल प्रदेश में, तो करंट अफेयर्स नहीं मिल पा रहे हैं। दूसरा कारण ये भी रहता है कि आजकल हमारे पास भी हार्ड कॉपी के रूप में अखबार नहीं पहुँच पा रही है, जबकि हार्ड कॉपी में अखबार होती है आप उसे और भी अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि साथ में आपको 2 या 3 जीके के प्रश्न करवा दूं, जो कि ऐसे प्रश्न हैं विभिन्न तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए हैं, और उनके आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहेगी। सिर्फ HP वाले पोर्शन में हम ऐसा करेंगे, आप कमेंट सेक्शन के जरिए इसके सुझाव भी दे सकते हो। तो 1815 की जो सिंगौली की संधि हुई थी, अंग्रेज और गोरखों के बीच में हुई थी। धामी कोली गोलीकांड की बात करें, तो वर्ष 1939 में घटित हुआ था। शिमला में आलू की खेती किसने शुरू की गई थी? तो कैप्टन कैनेडी के द्वारा इसको शुरुआत की गई थी। और बात करें हिमाचल प्रदेश में सन टेम्पल कहाँ पर है, तो इसका सही उत्तर होगा निर्थ। बताइएगा कमेंट सेक्शन में, निर्थ हिमाचल प्रदेश के किस राज्य किस जिले में स्थित है। आगे डिस्कशन करेंगे नेशनल एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स के बारे में। किस केंद्रीय मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच देश में फंसे विदेशी पर्यटकों की मदद के लिए स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल शुरू किया गया है? तो उसका नाम है पर्यटन मंत्रालय, यानी टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा से शुरू किया गया है। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस स्वास्थ्य कर्मियों की मृत्यु होने पर कितने करोड़ रुपए की देने की घोषणा की गई है? तो 1,00,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा दिल्ली सरकार में द्वारा की गई है। दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल जी, वहाँ पर डिप्टी CM है मनीष सिसोदिया जी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार कौन सा टूर्नामेंट कोरोना वायरस के चलते रद्द कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा विंबलडन 2020 को रद्द कर दिया गया। और देखिए द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1944 आई थिंक के बीच में हुआ था, उसके बाद देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है, तो पूरा देश पूरा दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में है। 10 सरकारी बैंकों का विलय 4 बैंकों में कब से प्रभावी हुआ? इसका सही उत्तर है 1 अप्रैल 2020 कीजिएगा, यहाँ पे माफी चाहती है, यहाँ पे 30 हो गया, आपने यहाँ पे 2020 कर देना है। तो अब भारत में सिर्फ 4 ही सरकारी क्षेत्र के बैंक बचे हुए हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री केयर्स फंड में LIC ने कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है? तो 105 करोड़ रुपए का यहाँ पे LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन द्वारा देने की घोषणा की है।
हाल ही में किस भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर होगा आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा शुरुआत की गई है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी बात है, काफ़ी दम चाहिए व्हाट्सएप के ऊपर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए, तो आईसीआईसीआई बैंक ने करके दिखाया है। भारत ने किस देश के साथ प्रत्यर्पण संधि का पर समझौता किया है? सही उत्तर है बेल्जियम, और ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक 2024 की मेजबानी किस देश को प्रदान की गई? तो उसका सही उत्तर है पेरिस। हाल ही में किस देश के हास्य अभिनेता केन सिमुरा का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया? तो इनका संबंध था जापान से। ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक इन द टाइम ऑफ कोविड 19 नामक रिपोर्ट किस वैश्विक संगठन द्वारा जारी की गई है? इसका सही उत्तर है विश्व बैंक, और बताइएगा विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। आगे बात कर लेते हैं उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है, और याद रखिएगा 1 अप्रैल 1936 को बिहार तथा उड़ीसा प्रांत अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए थे। स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट एब्रिविएशन भी आप लोगों के लिए लेकर आए हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है डीएसटी, डीएसटी होता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डीबीटी स्टैंड फॉर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सीएसआईआर स्टैंड फॉर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। डीआरडीओ स्टैंड फॉर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ईपीएफ स्टैंड फॉर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट था, और आप देखिए बहुत ही सुंदर इमेज आप लोग अपने मोबाइल फोन में देख रहे होंगे। आपको अभी आपको खबर मिल ही चुकी है कि हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा भी स्थगित नहीं कहेंगे, उसमें परिवर्तन होगा, जो 26 जुलाई को होनी थी वो नहीं होगी। हमारी टीम आप लोगों के लिए जनवरी फरवरी और मार्च के जितने भी हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से वो भी लाए हैं, साथ में इसी एक ही किताब में आपको दे दिया गया है जो हिमाचल प्रदेश सरकार का समाचार पत्र है, गिरिराज का सारांश भी इसमें उपलब्ध करवाया गया। मतलब आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, काफ़ी अच्छा एक किताब आपको मिल जाती है, और ये किताब सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में लॉन्च की गई है। कुछ ही रुपए दे के आप इसकी ऑनलाइन इस किताब को अपने ईमेल के माध्यम से या आप इला स्टडी वेबसाइट के अकाउंट से प्राप्त कर सकते हैं। जरूर आप इस किताब को पढ़िएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण हदयंश मगर इस किताब में संग्रहित की गई है। इसके अलावा कनेक्टर एचआरटीसी कनेक्टर की बुक भी इस ओल्ड क्वेश्चन पेपर के साथ हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है, भी सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में है। इसके अलावा विभिन्न तरह के सॉफ्ट कॉपी के प्रोडक्ट आप हमारे ट्राई कर सकते हैं, घर बैठे उनसे आप अपनी पढ़ाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।